हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड्स। तो फिर यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है आपके इन्फोसिस टीम की तरफ से, बता दो। फिर यहाँ पर जो है इन्फोसिस में जून में जितने भी आप लोगों के इंटरव्यू हुए थे, सारे के सारे रिजल्ट जो है फिर डिक्लेयर होना चालू हो गए हैं। बताऊंगा इस वीडियो में डिटेल्स में। अगर आपके पास ये मेल नहीं आया है तब क्या करना है, हाउ मेनी चांसेस फॉर गेट फॉर रिजेक्शन आफ्टर इंटरव्यू, हाउ मच वी कैन वेट, प्रीवियस ऑल फेज एग्जाम रिजल्ट, इंटरव्यू, मेल एंड ऑफर लेटर अपडेट इन वन वीडियो। सो वीडियो को आप लोग इन तक जरूर देखना। चलिए आप फ्रेंड बता दो फ्रेंड, ये इस तरह का मेल मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर को भी देखने को आ चुका है। एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन टू एवरी वन, ईच एंड एवरी वन हु गॉट दिस ऑफर लेटर फ्रॉम द इन्फोसिस। ओके चलिए देखते क्या मेल मैंशन किया गया। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। हेलो ओके मेरे तो यहाँ पर हाईलाइटर। ओके हेलो, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द इन्फोसिस ऑफर प्रोग्राम। Congratulations, you have cleared the interview round for the receive the final job offer for the system engineer role. The compensation for this role is 3.6 LPA for with 1 year probation from date of your allocation of the business unit. Please note that this is a conditional job offer subject to your eligibility. ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट प्रोसेस मीन्स, अगर आप लोग इन्फोसिस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तभी आपका प्रोसेस जो आगे बढ़ेगा, ठीक है। एंड योर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, इफ फर्स्टिफिकेशन ऑफ डेटा इज डिटेक्टेड ड्यूरिंग द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस, इन्फोसिस विल रिवोक द जॉब ऑफर मेड टू यू। मतलब कि अगर आपने 3 मंथ का क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया होगा, डॉक्यूमेंट आपका सही नहीं है, आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हो, अगर ऐसा कुछ कंडीशन रहता है तो इन्फोसिस आपको जो है ज्वाइनिंग से पहले भी रिजेक्ट कर सकती है। इन केस ऑफ एनी क्वारी प्लीज कॉन्टेक्ट यूर प्लेसमेंट ऑफिस टू राइट टू असेट प्रोसेस रिलेटेड टू ईमेल सेंड बाई सेंड टू एनी अदर इन्फोसिस ईमेल एड्रेस माइट नॉट बी रिस्पॉन्डेड टू। ओके सो यहाँ पर काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आता है सर कि हमारे पास अभी तक नहीं आया तब क्या करना, बताते फ्रेंड ये रिजल्ट आज ही आना चालू हुए तो अभी आप लोग वेट कर सकते हो आने का। ओके हाउ मेनी चांसेस, बताते फ्रेंड यहाँ पर जो है लगभग फ्रेंड जो है 90% चांसेस रहते हैं कि आप लोग का सिलेक्शन मेरी देखने को आएगा आफ्टर आफ्टर इंटरव्यू। काफ़ी कम लोगों को यहाँ पर जैसे मैं देखने को आता है। हाउ मच यू कैन वेट, अभी देखो आना चालू हुआ है तभी आप लोग फ्रेंड जो है इस कल परसों तक मतलब इस मंथ तक आप लोग वेट कर सकते हो। नॉट गोट एनी मेल मीट्स रिजेक्टेड, नहीं जब तक आपके पास प्रॉपर सिलेक्शन और रिजेक्शन मेल नहीं आता तो आप लोग अपने आप को एज रिजेक्टेड नहीं मान सकते हो, क्योंकि वो इन्फोसिस जो है दोनों ही सेंड करती है सिलेक्शन और रिजेक्शन मेल। प्रीवियस बता दो फिर, अगर आप लोग अपने प्रीवियस रिजल्ट को जानना है बता दूँ, आप लोग जो है career.infosys.com पर लॉगिन करना है, आप अपने डैशबोर्ड पे जाना है, वहाँ पर आपने जिस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करा हो आपको वहाँ पर सारे के सारे प्रोफाइल देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप लोग वेट कर रहे हो 2 महीने से 3 महीने हो चुके तो आप लोग मूव ऑन हो जाना, वेट करने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि काफ़ी लोग देखो इन्फोसिस क्या करती है, 1 से 2 दिन के अंदर में सारे के सारे जो भी सिलेक्टेड होते हैं उनको रिजल्ट मिल जाता है। आप मान लो कि 100 बच्चे थे, ठीक है, 100 कैंडिडेट्स हैं, उनका जो है 100 में से मान लो कि 50 लोगों का इंटरव्यू आज आ गया, रिजल्ट आज आ गया, कल मान लो 30 लोगों का आया। अब जो 20 लोगों का अगर अब 20 लोगों का अगर नहीं आता है तो आप लोगों का 2 से 3 और वेट कर सकते हो, बाकी आप लोग वहाँ से उम्मीद छोड़ सकते हो। अब आपका बैकग्राउंड चेक होगा, वेरिफिकेशन चेक होगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, ठीक है, ऐसा आप लोग मान के रख सकते हो। काफ़ी लोग के नहीं आते हैं अपडेट्स, आते हैं काफ़ी डिले आते हैं, ठीक है। आप लोग को होल्ड मतलब आप लोग कैंडिडेट होल्ड पर रहता है, मतलब रुको, अगर मान लो कोई कैंडिडेट्स अगर जो कंपनी ज्वाइन नहीं करे तो आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इसलिए इन्फोसिस जो है ऐसा कुछ डिले करती है। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर वीडियो को, डाउट तक हमारे पुस्तक में जय हिंद जय भारत।